खबर 9 न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर हमारी सभी न्यूज प्राप्त करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर 9 और मैं हूं आपके साथ प्रिया। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। 500 वर्षों की लंबी प्रतीक्षा, आज ये प्रतीक्षा खत्म हुई। अयोध्या में चिराकाल से बहुअभिलाषित श्री राम मंदिर के शिलान्यास पर प्रभु श्री राम के जन्म स्थल पर ऐतिहासिक दिन होने से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शिलान्यास को लेकर कानवन नगर व क्षेत्र में राम नाम की धुन नजर आ रही है। लोग खुशी में जश्न मना रहे हैं। जगह जगह भक्तों द्वारा आतिशबाजी की गई। उत्सव रात्रि कालीन से ही शुरू हो गया था। लोगों द्वारा घर पर दीपक प्रज्वलित किए गए व आतिशबाजी की गई। सुबह राम मंदिर में सुंदरकांड का आयोजन किया गया, जिसमें भाजपा के जिला अध्यक्ष डॉक्टर प्रहलाद सिंह सोलंकी, सोसाइटी अध्यक्ष मनोहर सिंह कामदार, सुंदर राणा, दिनेश कुशवा, जितेंद्र सोलंकी, संतोष जायसवाल मौजूद रहे। पूरे क्षेत्र को भगवामय बना दिया गया। पूरा क्षेत्र राम जी के जयकारों से गूंजा। साथ ही महाआरती व महाप्रसादी का वितरण किया गया। 29 वर्ष पूर्व 1990 में कार सेवकों के रूप में जो हिंदू नेताओं द्वारा संकल्प लिया गया था, उसी समय उन्हीं के साथ रहे कानवन के चौहान विमल राठौर आदि का राम मंदिर में डॉक्टर प्रहलाद सिंह सोलंकी, नाथूलाल प्रजापत, मनोहर कामदार, राहुल डोडिया, जगदीश चौहान आदि द्वारा शाल व श्रीफल के साथ माला पहनाकर सम्मानित किया गया। कणवन सेवा संस्था द्वारा भगवान श्री राम मंदिर के शिलान्यास को लेकर अपनी प्रफुल्लता व्यक्त करते हुए पंचमुखी हनुमान मंदिर पर पहुंचकर श्री राम दरबार वाटिका का निर्माण किया। सुबह 8 बजे से लेकर 11 बजे तक उनकी टीम द्वारा त्रिकोण के आकार में वाटिका का निर्माण किया, जिसमें भगवान राम के रूप में रामफल, माँ सीता के रूप में सीताफल, तो वहीं लक्ष्मण के रूप में लक्ष्मण फल व भगवान राम के अनन्य भक्त हनुमान के रूप में सिंदूर के पौधे का रोपण किया। श्री राम वाटिका के निर्माण पूर्ण होने पर श्रद्धालु द्वारा महाप्रसादी का वितरण किया गया। आज जो हम सबको 500 वर्षों से जिस चीज की उम्मीद थी, उसका आज हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने अयोध्या में राम मंदिर के लिए भूमि पूजन का कार्यक्रम किया गया। इसमें हमारे गांव से भी जो 1990 में कार सेवक अयोध्या पहुंचे थे, हमारे कानवन से भी 4-5 कार सेवक जो उस अयोध्या पहुंचे थे, उस बाबरी मस्जिद के ढांचे गिराने में उनका योगदान था, उन्हें भी आज इस आयोजन के संबंध में राम मंदिर पर जो सुंदरकांड का आयोजन रखा गया था, उसमें उन पांचों कार सेवकों का भी सम्मान किया गया, जिसमें बसंतीलाल जी जैन, माखन जी सोनी, सुनील जी चौहान, बालकृष्ण जी द्विवेदी, ऐसे व्यक्ति हमारे कानवन से भी उस कार सेवक सेवा में गए थे, जो कि आज उनका सम्मान किया गया। बहुत ही अच्छी तरीके से सुंदरकांड राम मंदिर पर रखा गया। सभी ग्रामीण जनता ने सहयोग देकर इस सुंदरकांड को, भव्य आयोजन को सफल बनाया। उसके बाद महाआरती का आयोजन हुआ। आरती के पश्चात पूरे नगर में महाप्रसादी का वितरण किया गया, क्योंकि आज का दिन पूरे देश में एक दीपावली के महत्व के रूप में मनाया जा रहा है। कानवन में भी हमारी टीम, हम सब लोगों ने, सभी नागरिकों ने मिलकर इस आयोजन को बहुत ही दीपावली की तरफ मनाया गया। कानवन से विशाल राव निकम की रिपोर्ट। आज के लिए बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ खबर 9 में।